हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज़ में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की मूवी कन्फेशन ऑफ एन इनविजिबल गर्ल को। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कन्फेशन ऑफ एन इनविजिबल गर्ल, ये मूवी आज ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है। और आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है। और अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें कमिंग ऑफ एज ड्रामास देखना पसंद आते हैं और उन्होंने इस जॉनर पे ज़्यादा कुछ नहीं देखा है, तो शायद आपको ये मूवी पसंद आ सकती है। लेकिन एक न्यूट्रल ऑडियंस को ये मूवी कैसी लगेगी, इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो ये कहानी है टिया नीरा नाम की एक लड़की की, जो कि सोशली काफ़ी ऑकवर्ड रहती है। लेकिन उसकी लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब वो एक नए स्कूल में एडमिशन ले लेती है और वो अपने क्लासमेट्स के साथ फिट होने के लिए क्या क्या करती है, यही सब इस मूवी की कहानी है। अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो पर्सनली मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले बिलो एवरेज लगा, क्योंकि जैसा कि आप लोग इसके प्रीमाइस से समझ गए होंगे कि ये स्टोरी कोई नई तो नहीं है। कुछ इसी तरह की स्टोरीज पर हमने पहले भी काफ़ी कुछ देख रखा है और उसके ऊपर से जिस तरह से इस मूवी को लिखा गया है ना, उसमें भी कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि इस मूवी को भी उसी तरह से लिखा गया है जिस तरह से इस तरह की मूवीज़ लिखी जाती हैं। यानी स्टार्टिंग में वो थोड़ी ऑकवर्ड रहती है, फिर उसके कोई दोस्त बनते हैं, फिर वो थोड़ी थोड़ी चेंज होना स्टार्ट होती है और फिर उसका एक बॉयफ्रेंड बन जाता है और फिर एक हैप्पी एंडिंग। और इस मूवी को भी इसी फॉर्मेट पे लिखा गया है, जिसके कारण हमें स्टार्टिंग से पता होता है कि ये मूवी आगे जाके कैसे एंड होने वाली है। और उसके ऊपर से इस स्क्रीन प्ले में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है जिसके कारण हम कहीं भी शॉक या सरप्राइज हो पाएं, जो कि काफ़ी बुरी बात है। और इस पूरी मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पे कुछ भी नहीं है, जो कि काफ़ी बुरी बात है। और जहां तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के बीच डायनामिक्स की, तो अगर हम टिया नीरा के कैरेक्टर को हटा दें तो किसी भी कैरेक्टर को इतने अच्छे से नहीं लिखा गया कि हमारा उनके साथ किसी भी तरह का कोई कनेक्शन बन पाए। और जो टिया नीरा का कैरेक्टर रहता है उसके साथ भी हम पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी मुझे काफ़ी रूटीन लगे। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स का काम बस ठीक ठाक ही है, किसी का भी काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन किसी का भी काम बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। और जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, तो डायरेक्शन तो इस मूवी का बिलो एवरेज है, क्योंकि डायरेक्टर ने कुछ भी नया और अलग करने की कोशिश नहीं की है और इस पूरी मूवी को काफ़ी रूटीन तरीके से बनाया है, जिसके कारण हम इस पूरी मूवी में उस तरह से इन्वेस्ट नहीं हो पाते जिस तरह से हमें होना चाहिए था। और जो एडिटिंग है वो भी बस ठीक ठाक ही है। और जहाँ तक बात है प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो अच्छी है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये काफ़ी बिलो एवरेज मूवी है, जो कि सिर्फ उन लोगों को पसंद आ सकती है जिन्हें कमिंग ऑफ एज ड्रामास देखना पसंद आते हैं और उन्होंने इस जॉनर पे ज़्यादा कुछ नहीं देखा है। लेकिन एक प्रो ऑडियंस को मुझे तो नहीं लगता कि ये मूवी पसंद आएगी। तो आपको ये मूवी देखनी है नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आपने ये मूवी देख लिया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।